हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 27 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए मैथ क्वेश्चन है उसका सटीक सलूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है जो सोर्स एंड इंटेंसेस का है, घातांक और कर्णीय चक्र से। तो इसमें आपको एक रूल आना चाहिए, ए टू दी पावर एम, मतलब दोनों का आधार समान है तो ये वाला रूल आना चाहिए। ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर क्या होता है, ए पर पावर एम प्लस एन, यानी कि आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाती है। और एक रूल यहाँ आप भी ध्यान रखना है कि ए टू दी पावर एक्स बराबर बी टू दी पावर वाई है, यानी कि यहाँ पर आधार को समान कर लेते हैं, ए पर पावर एक्स बराबर ए पर पावर वाई है, तब दोनों का पावर भी बराबर होगा, यानी कि एक्स बराबर वाई। जब दोनों का आधार समान हो तो पावर भी बराबर होते हैं, इस दोनों का यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए 2 पे पावर 7 पर पावर कितना है -3 और फिर 2/7 पे पावर है -5, तो 2/7 पे पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा -5 बराबर, ये फिर 2/7 पे पावर कितना लिखेंगे -3 और एम प्लस 1। अब देखिए यहां पर आपको दिखना चाहिए आधार दोनों का क्या है, सेम है, आधार दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है तो पावर को क्या करते हैं बराबर करते हैं, एक्स बराबर वाई तो बराबर करेंगे -3 और ये प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं तो -5 बराबर, ये कितना है -3 एम और प्लस वन इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -3 -5 -1 बराबर ये कितना है -3 एम और ये +1 तो उधर चला गया। अब ये कितना हो गया 5 3 8 1 9 यानी कि -9 बराबर कितना है -3 एम, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 3 9 यानी कि एम का मान कितना चला गया 3, तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका सेकेंड, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर में हम अगर इसे लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन प्रश्न पूछा था सिर्फ इतना, तो अपने मन से 2x + y यानी कि जोड़े हैं तो ये अपने मन से घटा देंगे, तब इतना तक फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये -2xy, मतलब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई निकालना कितना इजी है, जो एक्स प्लस वाई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 - 1 लिख सकते हैं या इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 होगा। अब देखिए अंश में क्या करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से करते हैं, तो रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 * a² + b² तो यूज कर रहे हैं 2 * a² रूट 3 का स्क्वायर 3 + √1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 कितना हो गया 4, मतलब यहाँ पर होगा सिर्फ आपका 4 का स्क्वायर माइनस 2xy, तो xy कितना होगा x गुना वाई करके देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस प्रकार से कट जाएगा, मतलब x गुना वाई 1 है, तो 4 * 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा। फिर से समझा देते हैं, देखिए क्या करना है, सबसे पहले x प्लस वाई निकालेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 3 - 1 हर में कितना हो गया 2। अब अंश में क्या करेंगे तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 * a² + b² होगा तो 2 * √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 * 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 * x / y होता है तो 16 में से 2 जाएगा तो 14 आपका आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका सबसे पहले बहुलक निकालना है, बहुलक मतलब क्या होता है मोड, बहुलक निकालना है और फिर निकालना है आपका माध्यक जिसे माध्यिका बोलते हैं मतलब मीडियन, और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्न को, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार रहता है वो बहुलक होता है, तो सभी तो एक ही बार है लेकिन 25 से जो 2 बार है यहाँ पर तो बहुलक हो जाएगा आपका 25। माध्यक कितना होगा तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो बढ़ते क्रम में ये सजा हुआ है, तो अगर जो 8 टर्म या 10 टर्म या 6 टर्म या 4 टर्म मतलब पेयर में रहता है तो बीच वाला होता है आपका माध्यिका, और बीच वाला जो होता है तो उसके दोनों तरफ को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, वही आपका होता है मीडियन। लेकिन अगर जो 3 टर्म या 5 टर्म जैसे हमने लिखा 1 2 3 ये 3 टर्म हुआ, यहाँ पर लिखे 3 4 5 यहाँ भी 3 टर्म है, अगर जो हम लिख देते 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिख दिए तो यहाँ पर 5 टर्म है,
तो तीन टर्म, पांच टर्म, सात टर्म, नौ, ग्यारह, यानी कि विषम बार रहे तो बीच में एक ही पड़ेगा, तो जो एक पड़ेगा बीच में वही आपका होगा मीडियन, यानी कि माध्यक। जैसे यहाँ पर दो हो जाएगा माध्यक एक दो तीन का, तीन चार पांच छह सात में आपका पांच हो जाएगा माध्यक। उसी प्रकार से इस प्रश्न में देखिए आठ पूरा कितना टर्म है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ टर्म है, तो बीच में कम पड़ेगा, तो चार चार दोनों तरफ को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे मतलब हटा देंगे, तो बीच में ये पड़ रहा है मतलब दोनों पच्चीस के बीच वाला हिस्सा जो होगा यहाँ पर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा पच्चीस प्लस पच्चीस बटा दो, तो कितना होगा पचास बटा दो, जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पच्चीस। तो माध्यक यानी कि भी हो गया पच्चीस और बहुलक भी पच्चीस, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा एक अनुपात एक, यही आपका आंसर होगा, अनुपात पूछ रहा था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर एंगल दिया 60 डिग्री और आधार दिया है 200 मीटर, तो ये हाइट पूछ रहा है कितना होगा जो, तो सिंपल आपको ऐसे प्रश्न को हम आपको मौखिक ही बनाना बताए हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरी और हाइट एंड डिस्टेंस का किरण बुक से सोल्यूशन में दिए हैं उसमें। तो रूल क्या होता है, रूल पहले बता देते हैं, देखिए ध्यान से, रूल होता है यहाँ पर आपको रूल बताया है, रूल हमने बताया है कि यहाँ पर अगर जो कोण 60 डिग्री है और ये आपको मान लीजिए कि x दिया है, तो ये वाला कितना होगा ये वाला साइड, तो आपको बताए थे कि 30 डिग्री के साथ जो भी भुजा रहती है उससे निकालने के लिए रूट थ्री से गुना करते हैं, और 60 डिग्री के साथ जो भुजा रहती है उसे निकालने के लिए रूट थ्री से भाग करते हैं, 30 डिग्री के साथ रूट थ्री से गुना, 60 डिग्री के साथ रूट थ्री से भाग। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री फिक्स है ना, तो ये x रहता है तो ये कितना होता है रूट थ्री गुना x, ये आपका इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 200 रूट थ्री, मतलब ये वाला साइड हो जाएगा कितना 200 रूट थ्री, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 डिग्री होगा, इस प्रकार से आपको अंडरस्टूड रहना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हो गया कितना आपका 200 रूट थ्री आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, ये आपको रेशनलाइजेशन करके b का मान बताना है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, हम इसे परिमेयकरण करेंगे तो अंश में क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब तीन रूट दो माइनस दो रूट तीन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी टू ए माइनस बी मतलब रूट थ्री का थ्री रूट टू का स्क्वायर और माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। एक लाइन हम आगे बढ़ा ही देते हैं। अब देखिए ऊपर में मतलब अंश में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब तीन रूट दो का स्क्वायर कितना होगा, तो तीन तीन नौ और नौ दुनी अठारह प्लस बी स्क्वायर दो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, तो दो दुनी चार दिया बारह माइनस टू ए बी, तो दो गुना तीन छह हो जाएगा, छह गुना दो बारह हो जाएगा और रूट छह मतलब बारह रूट छह। नीचे में क्या हो जाएगा ये तीन तीन नौ दुनी अठारह और ये कितना हो जाएगा दो दुनी चार दिया बारह, इस प्रकार से यहां पर हो गया ए माइनस बी रूट छह। एक स्टेप और देखिए, अठारह बारह कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा, मतलब इधर लिख रहे हैं तीस बराबर, ध्यान से देखिए तीस माइनस होगा, तीस माइनस ये कितना है बारह रूट छ, बारह रूट छ बटे नीचे में अठारह माइनस बारह तक कितना हो गया छ बराबर, इधर लिखा गया आपके प्रश्न में ए माइनस बी रूट छ। अब छ से दोनों तरफ मतलब अलग अलग कर देते हैं, तो ये तीस बटा छ हो जाएगा और माइनस बारह रूट छ बटा कितना हो जाएगा छ बराबर ए माइनस बी रूट छ। ध्यान से देखिए ये कितना छह पचे तीस मतलब पांच हो गया, छह दूनी बारह दो हो गया, यानी कि फाइव माइनस टू रूट सिक्स बराबर ए माइनस बी रूट सिक्स। तो कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ए के जगह पर कितना है पांच है और बी के जगह पर कितना है दो है, मतलब ए का मान हो गया पांच और बी का मान कितना हो गया दो, तो बी का मान पूछ रहा था तो बी का मान दो आपका ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका, आपका इसमें मीडियन मतलब एक तरह से दोनों का मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं, तो 9 और 49 का मध्यानुपाती मतलब a और b का मध्यानुपाती का रूट क्या होता है रूट ए बी, तो इससे भी आप बना सकते हैं मतलब रूट 9 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा a की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 और b की जगह पर 49, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है 49 का 7 होता है, तो 21 7 का आंसर हो जाएगा। रूल से बनाइएगा तो मान लीजिए कि 9 और 49 का मध्यानुपाती क्या है x है, इस प्रकार से मान लिए हैं, तो 9 का जो x के साथ रेशियो होगा वही रेशियो x का 49 के साथ होगा, तो इस प्रकार से बनाते हैं नजदीक गुना नजदीक और दूर गुना दूर, मतलब कितना हो जाएगा x गुना x बराबर ये 9 गुना 49, x गुना x बराबर कितना होगा 9 गुना 49, तो यहाँ पर से भी वही चीज होगा मतलब x का मान कितना हो जाएगा 9 और 49 का वर्गमूल दोनों का गुणनफल, तो 3 गुना 7 यानी कि x का मान हो जाएगा आपका 21,
ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका बेसिक और ये होगा आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, 14 मीटर लंबे खंभे की छाया 8 मीटर बनती है, तो 28 मीटर लंबे खंभे की छाया बताना है। मतलब इस प्रकार से पहले आपके प्रश्न में दिया गया है कि 14 मीटर कोई खंभा है, इसकी छाया कितना बन रही है आपके प्रश्न में 8 मीटर, मतलब छाया बन रही है 8 मीटर। तो एक दूसरा खंभा है जिसकी लंबाई कितना है 28 मीटर, मतलब इसका लंबाई है जो 28 मीटर है, तो इसकी छाया कितना बनेगी, ये 28 है तो छाया कितना बनेगी जो पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि एक ही समय पर अनेकों वस्तुओं, जितना भी वस्तु रहता है सभी वस्तुओं का ऊंचाई बटा परछाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ऊंचाई बटा क्या करेंगे, परछाई, ऊंचाई बटा परछाई, ऊंचाई पूरा लिख देते हैं, ऊंचाई बटा परछाई कांस्टेंट। इसका यूज करके आप ऐसे प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं, यानी कि 14 बटा कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 8 बटा भाग। तो इस प्रकार से 14 दुनिया 28 हो जाएगा, तो 8 दुनिया 16, मतलब भाग की जगह पर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 मीटर होगा। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 14 गुना 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा 8 गुना 2 ही होगा, मतलब कितना हो जाएगा 16। ये भी रूल आप अपना सकते हैं, मतलब क्योंकि रेशियो है इस कारण से। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हाइट एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बता रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझना होगा, ये आपका बोल सकते हैं एलिगेशन का है। दो वस्तुओं का क्रयमूल 1350 रुपया है, एक को 6% की हानि पर दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचने से पूरे सौदे में उससे ना तो लाभ ना हानि हुआ, मतलब 0%। इसे हम लिखते हैं दोनों वस्तुओं का क्रयमूल क्या है। यदि प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का क्रयमूल क्या है, पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रयमूल का अंतर क्या है, तो आपको दोनों वस्तुओं का क्रयमूल भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है दो वस्तुओं का क्रयमूल 1350 रुपया है, दो वस्तुओं का क्रयमूल, तो पहला वस्तु को हमने जो भी मानते हैं इस प्रकार से, दूसरा वस्तु को ये मान लिया, तो पहला वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर, पहला वस्तु को 6% हानि पर, तो हानि को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, दूसरा वस्तु को 7% 7.5% लाभ पर, तो लाभ को प्लस से दिखाते हैं इस प्रकार से, और इसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो 0% से। दोनों का डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 7.5 और ये इसका डिफरेंस हो जाएगा 6 पूरे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, मतलब इसे 75/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1 किस प्रकार से, और तिरछे गुना करेंगे तो 75/60 हो जाएगा, 15×5=75, 15×4=60, यानी कि 5:4 हो गया। तो टोटल क्रयमूल आपके प्रश्न में दिया है 1350 रुपया, यानी कि 5:4:9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 1350 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1350/9, 1350/9 को 15/35 से, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 150 रुपया। तो आपको 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसमें भी आप 150 से गुना करेंगे, 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा इसमें भी आप 150 से गुना करेंगे, यानी कि 15×5=75, 750 रुपया होगा पहला वस्तु का क्रयमूल और दूसरा वस्तु का क्रयमूल पूछेगा तो 15×4=60, 600 रुपया होगा। लेकिन दोनों वस्तुओं का अंतर पूछेगा तो 5 और 4 का अंतर 1 होता है, तो 1 का अनुपात का वैल्यू 150 रुपया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर पूछता तो यहाँ पर 5 और 4 का अंतर 1 है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 150 रुपया हो रहा है कि नहीं, 7.5 और 600 रुपया का अंतर कितना है 150 रुपया है ना, तो ऐसे एक्चुअल में आपका भी इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, या रेशियो से डायरेक्ट यहाँ हो गया एक अनुपात का वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वही दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह निश्चित दूरी बताना है। जैसे घर से ऑफिस तक या ऑफिस से घर तक जो दूरी रहता है उस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपको इसमें रूल आना चाहिए, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतराल, मतलब समय का अंतर ये घंटा में लिखते हैं, मतलब देर देर रहता है या पहले पहले रहता है तो अंतर में घटाते हैं, देर पहले या पहले देर रहता है तो जोड़ते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए पहला चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 गुना 40 हमने लिखा और 30 और 40 का अंतर कितना होता है 10, तो 10 हमने लिखा। समय का अंतराल कितना दिया है कि 4 मिनट देर और 6 मिनट पहले, तो देर पहले है तो अंतर समय को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, मतलब 6×4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो जाएगा मिनट है, तो 10 मिनट है लेकिन हमें चाहिए घंटा में, तो क्या करेंगे 10/60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका घंटा में। अब देखिए इसे हल करना है, तो सिंपल है, 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, 30 दूनी 60 और 2 से 2 दूनी 4,
मतलब 10 दुनी 20 यानी कि 20 किलोमीटर हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर यानी कि निश्चित दूरी। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 11,025 वर्ग मीटर है, तो 85 रुपये प्रति मीटर की दर से वाड़ लगाने का कुल खर्च बताना है। तो सबसे पहले ये कोई आपका दिया गया है वर्ग है, वर्ग का आपका क्षेत्रफल कितना प्रश्न में दिया है, क्षेत्रफल दिया है 11,025 वर्ग मीटर, तो इसका साइड हम निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है एरिया बराबर, तो यहाँ पर से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर मतलब चारों भुजा ए मानते हैं, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाता है, चारों भुजा को ए हमने माना, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल है 11,025। इसका वर्गमूल कैसे करते हैं आपको पता होगा, 25 के लिए हमने 5 लिख दिया और ये किसके पास है, तो 10 है सब 11 11 21 से मतलब 10 के आसपास है, तो 10 लिखेंगे, मतलब 105 मीटर हो गया आपका क्या वर्ग की भुजा, मतलब ये भी 105 मतलब चारों भुजा कितना हो गई 105, ये भी कितना है 105 है। अब आपको ये समझना है कि इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप मतलब पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 × भुजा मतलब 4 गुना कितना हो जाएगा 105, तो 4 गुना 105 कितना हो जाएगा, तो 5 × 20 1 × 4 यानी कि 420 मीटर हो गया इसका टोटल परिमाप, तो वर्ग की परिमाप इतना हो गया, तो 1 मीटर मतलब मानिए कि यहां से यहां 1 मीटर है, तो 1 मीटर का खर्च आपके प्रश्न में कितना दिया है 85 रुपया, 1 मीटर का खर्च है 85 रुपया, तो इतना मीटर का खर्च कितना होगा, तो 420 गुना कितना हो जाएगा 85 यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च बराबर आपका आंसर हो जाएगा 401 मीटर का खर्च 85 रुपया, तो 420 मीटर का खर्च 420 गुना 85 इतना आपका आंसर हो जाएगा इतना रुपया, तो गुना कर देते हैं जल्दी से, देखिए कैसे गुना कर रहे हैं, इसे हमने इस प्रकार से लिखते हैं 42 को लिखते हैं हम 21 गुना 2 गुना 10 इस प्रकार से लिख दिया, और 85 लिख रहे हैं 17 गुना 5 85। अब देखिए ये 2 और 5 और ये 10 मतलब 2 जीरो तो पहले से हो गया, 5 × 10 के लिए 1 0 और ये 10 के लिए 1 0, अब 17 × 21 कर सकते हैं, तो कर दीजिए 17 × 17 बाकी 1, फिर 17 × 34 से कितना हो जाएगा 35, तो 35 और 700 इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, या यहां से भी गुना कर सकते थे, तो कैसे गुना करते जो बताते हैं, 1 0 तो पहले हो गया, अब ऐसे गुना करते मतलब 8 × 16 और 5 × 20, तो 16 और 20 कितना हो जाता है 16 और 20 हो जाता है आपके प्रश्न में, या ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी आपको करके बता देते हैं 42 × 85 कितना होगा, जो तो देखिए सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं मतलब लास्ट गुना लास्ट, तो 5 × 10 के 0 बाकी 1 हो गया, फिर नजदीक गुना नजदीक करते हैं, दूर गुना दूर करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं मतलब 8 × 16 और 4 × 5 = 20, तो 16 और 20 कितना होता है 36 और बाकी 37 के साथ फिर बाकी 3, अब लास्ट गुना लास्ट करते हैं 8 × 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, तो 35 70 हो गया, और ये 0 का बदले 1 0 हम देंगे, तो आपका आंसर ठीक है। आप कैसे भी गुना कर सकते हैं जो आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 12 मीटर लंबी सड़क को 350 दिनों में पूरा करने के लिए 45 आदमी ने ठेका लिया है, फिर प्रश्न में बोल रहा है कि 200 दिन बाद 4.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई, तो शेष सड़क को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा माइंड मतलब कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो प्रश्न में देखिए 45 आदमी ठेका लिया है 12 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, तो 350 दिन में उसे पूरा करना है, तो 200 दिन बाद यानी कि 45 आदमी है जो 200 दिन में कितना 4.5 किलोमीटर सड़क बनाता है, प्रश्न में इस प्रकार से आप लिखते हैं M1D1, इस प्रकार से आपको रूल पता होगा M1D1/W1, M2D2/W2, M4 mind D4 day और W4 work मतलब टोटल काम को नीचे लिखते हैं, तो प्रश्न में देखिए 45 आदमी है जो 200 किलोमीटर सड़क बनाता है कितना 200 दिन में, तो यहां पर लिखेंगे M4 mind 45 आदमी 200 किलोमीटर सड़क बनाता है कितना दिन में, मतलब 45 आदमी है जो 4.5 किलोमीटर ही सड़क बनाता है 4.5 किलोमीटर सड़क बनाता है 200 दिनों में, ये दिन लिखे ये किलोमीटर लिखे हैं,
फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है टोटल कितना सड़क बनाना है, 12 किलोमीटर बनाना है ना, तो 4.5 यहाँ बना लिया है, तो अब कितना बनाएगा, तो 12 में 4.5 घटा देंगे, मतलब ये शेष बनाना है तो घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5, 11 में से 7 जगह 4, यानी कि 7.5 किलोमीटर सड़क बनाना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 45 आदमी पहले काम कर रहा था, तो और हमें एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, मतलब 45 प्लस एम, अब हमें टोटल कितना दिन में काम करना है, 350 दिनों में काम करना है, तो 200 दिन तो काम कर लिया, तो कितना दिन बचेगा, 150 दिन में ही पूरा करना है, तो 150 यहाँ पर हमने लिखा, अब इसे आपको हल करना है और आंसर लगाना है, तो नीचे ये 7.5 है, आपको समझना है, देखिए हल कर रहे हैं, डेसिमल से डेसिमल हटा दिए हमने, अब यहाँ पर से इस प्रकार से 9 × 5 = 45 और 15 × 5 = 75 कैंसिल किया, तो 15 × 10 = 150 यहाँ पर इस प्रकार से कैंसिल हो गया, मतलब ये 10 है, अब 10 से 10 भी हमने कैंसिल कर दिया, और 9 × 9 = 45, तो यहाँ पर कितना होगा, 2×5 = 100, 100 बराबर हो गया 45 प्लस एम, तो 45 में हम कितना जोड़े कि 100 हो जाए, यानी कि एम का मान कितना हो जाएगा, 55, यानी कि 55 एक्स्ट्रा आदमी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, 55 अतिरिक्त आदमी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बड़े बक्सा की बीमा 72×48 है, इसमें 12×18 के कितने बक्से बनाए जा सकते हैं, मतलब कोई बड़ा बक्सा है जिसका बीमा कितना लिखा है, 72×48, 72 लंबाई है तो 48 चौड़ाई है, इसमें ऐसा छोटा छोटा कितना बक्सा बनाया जा सकता है, मान लीजिए कि एक बक्सा बनाया जा सकता है, तो उसका साइज दिया है 12×18, मतलब 12 लंबाई है तो 18 चौड़ाई है, तो ऐसा प्रश्न आपका है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम बताए थे कि बड़ा का मतलब कितना हो जाएगा एरिया, 72×48, तो मान लीजिए इसमें टोटल इसका एन बनेगा, तो एन गुना एक का एरिया कितना होगा, 18×12, तो 18×12, अब इसे सोल्व करेंगे वही आपका आंसर होगा, तो 18 × 4 = 72 और 12 × 4 = 48, मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 72×48 वाला जो बीमा का बक्सा है, तो उसमें से 18×12 के कितना बक्सा बनेगा, 18×12 साइज के टोटल 16 बक्सा बनेगा, इस प्रकार आपका 16 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर का है, वो क्वेश्चन है जो आप इस बुक से देख सकते हैं, ये सगीर अहमद का बुक है, असिस्टेंट ग्रेड 1987 में, SSC 2009 में, और आप पूछा है NTPC 27 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप एक रूल जानते हैं कि LCM गुना HCF, मतलब दो संख्याओं का LCM और दो संख्याओं का HCF का गुणनफल होता है जो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के लिए आपको प्रश्न दिया है कि प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 44, मतलब प्रथम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 44, ऐसा दिया गया है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 44×2 मतलब 88, तो पहली संख्या हो गई 88 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है, प्रश्न में LCM और HCF आपको दिया गया है, HCF 44 है और LCM कितना है, 264 है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि 44 दूनी कितना हो जाएगा, 288 और 2 से 132 दूनी 264, यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना हो गया, 132, यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। और एक क्वेश्चन है SI और CI का, वो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, पूछा गया है आपको, पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन RBI 2006 में, अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 27 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में, SI और CI का क्वेश्चन है, CI का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 25,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% है, दूसरे वर्ष 5% है और तीसरे वर्ष 6% है, ऑप्शन दिया है 3100 रुपया, 2838 रुपया, 3938 रुपया, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये बताना है 5% पहला वर्ष है 4%, दूसरा वर्ष है 5%, तीसरा वर्ष है 6%, यही आपका क्वेश्चन है, और 25,000 रुपया आपका मूलधन है, यहाँ पर लिख देते हैं कि मूलधन कितना है, 25,000 रुपया, मूलधन 25,000 रुपया है, और यहाँ पर से पहले वर्ष के लिए आपको कितना दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, पहले वर्ष का मतलब R1 लिख देते हैं यहाँ पर है 4%, उसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए रेट कितना दिया गया है, R2 जिसे लिख देते हैं ये 5% है, और तीसरे वर्ष के लिए आपको रेट दिया गया है उसे R3 लिख देते हैं, ये 6% है,
तो आपसे सीआई पूछ रहा है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जो, तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है, 25,000 रुपया है तो 25,000 रुपया का पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 4% पर, एक वर्ष के लिए तो 104/100, दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 5% पर 105/100, तीसरे वर्ष के लिए 6% पर तो 106/100। इसे हल करेंगे तो देखिए 53 × 106 और 50 × 100 ये 21 × 75 से 20 × 25 100, ये 26 × 104 और 25 × 100। अब यहां देखिए 10 कैंसिल कर दिए, 25 × 50 और यहां पर से 25 से कैंसिल कर दिए और 5 × 10 तो ये 10 कैंसिल हो गया। तो गुना आपको कितना करना होगा, ये आपको क्या निकल कर आएगा अमाउंट, ये निकलता है अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा यहां पर लिख रहे हैं मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका 26 × 21 × 53। तो इतना गुना कीजिएगा, तो गुना भी करके आपको बता देते हैं, तो 26 × 21 कर देते हैं तो 26 से कम 26 बाकी 2 और 26 × 52 और 2 कितना हो जाएगा 54, 26 से कम 26 के 6 बाकी 2 है और 26 × 54 और 2 56, इतना गुना कितना हो जाएगा 53। तो ये 53 आप जैसे चाहे गुना कर सकते हैं, आपको ऐसे ही गुना करके हम जल्दी से दिखा देते हैं जो बेसिक बच्चा में करते थे गुना उसी प्रकार से। तो 6 × 18 बाकी 1, 4 × 12 = 13, फिर बाकी 1, 5 × 15 = 16। अब देखिए 5 से गुना करें तो 6 × 25 4 × 20 6 × 25 की 0 बाकी 3 है, 4 × 20 = 23 बाकी 2, 5 × 25 और 2 27 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 7 ये 7 है तो 7 × 1 = 8 और ये 2 मतलब 28,938 रुपया आपका हो गया ये मिश्रधन। तो सी आई बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन आपके प्रश्न में कितना 28,938 आ गया और मूलधन कितना है 25,000, तो इतना में से आपको मतलब 28,938 में से 25,000 घटा देंगे तो जो आएगा मतलब ये 938 तो ऐसे ही रहेगा इधर और 8 में से ये 5 जाएगा तो कितना होगा 3 और ये 2 में से 2 0 मतलब सी आई कितना हो जाएगा 3,938 रुपया। तो यही आपका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपको जो लिखे हैं क्वेश्चन वो करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन आपका वीवीआई करते हैं, दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 540 वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उनकी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो ये मान लीजिए कि कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी आपके प्रश्न में दिया गया है कि समानांतर भुजाएं 24 और 30 है, मतलब ये 24 सेंटीमीटर का है तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर का है, और ये होता है मतलब यहाँ पर से हम लंब डालते हैं तो ये हो गया दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसे हम h मानते हैं, और प्रश्न में दिया है इसका क्षेत्रफल भी कितना 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया आपके प्रश्न में दिया है कितना 540 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। एरिया मतलब ये होता है कितना जगह क्षेत्र है जो, तो समचतुर्भुज ये क्या है समलंब है, समलंब को आप ट्रापीजियम भी बोलते होंगे पता होगा, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं 24 और 30 का योगफल मतलब 24 + 30 और गुना उनके बीच की दूरी मतलब h। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो 1/2 ये यहाँ पर रख देंगे कितना है 540, दोनों का मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है 540 तो 540 रख दिए और ये 30 और 24 कितना होगा 30 × 20 = 50 = 54 और गुना h, तो यहाँ पर से दिख रहा होगा आपको 54 है, इस प्रकार से कैंसिल कर देंगे और 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा तो h कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो ये हाइट हो गया कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताते हैं जो तुरंत बन सके, मतलब ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 या मिटाने के बाद बता रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम वीवीआई लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रैमूल एंड विक्रैमूल का, क्रैमूल एंड विक्रैमूल का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपको समझना है। एक किसी वस्तु को बेचता है तो उसे क्रैमूल पर 25% का लाभ होता है, मतलब ए है जो किसी वस्तु को बेचता है तो इसे क्रैमूल पर कितना लाभ होता है 25% का लाभ होता है। उसी प्रकार से आपके प्रश्न में आगे लिखा है कि बी उसी वस्तु को बेचता है तो विक्रयमूल पर उसे 25% का लाभ होता है, और बी है जो वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रयमूल पर
25% का लाभ होता है, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपया है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 25% लाभ है, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ है, तो 25% लाभ को लिख सकते हैं, लाभ 25% का मतलब 25/100, तो 25/100 को लिख सकते हैं 1/4, लाभ है तो प्लस, मतलब प्लस 1/4 लिख रहे हैं, ये है क्या क्रय मूल्य पर है, मतलब ये 4 हो गया क्या क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हो गया आपको 4, लाभ हो गया 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, इतना समझे, क्रय मूल्य पर लाभ है 25% का, तो क्रय मूल्य हो गया 4, मतलब जो हर में रहता है वो जिस पर कह रहा है वो होता है, मतलब क्रय मूल्य 4 हो गया, 1 का लाभ है, ये क्या है आपका लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, 4 रुपये में खरीदे 1 रुपया का लाभ हुआ तो बेचेंगे 5 रुपये में, और बी के बारे में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर है 25% का लाभ, तो यहाँ भी होगा प्लस 1/4, लेकिन विक्रय मूल्य पर है तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि आपकी बार विक्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य है 4, और 1 रुपया का क्या है लाभ, यहाँ पर लिख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हो गया कितना 4, यहाँ पर ही लिख रहे हैं, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, समझना है सिर्फ, विक्रय मूल्य है आपके प्रश्न में 4, तो 4 रुपये में बेचता है तो 1 रुपया का लाभ होता है, ये क्या है लाभ, तो खरीदा होगा कितना में, खरीदा होगा आपको प्रश्न में यहाँ पर लिख रहे हैं, खरीदा होगा कितना में, तो 3 रुपये में खरीदेगा तभी उसे 1 रुपया का लाभ होगा, 4 रुपये में बेचता है तो 1 रुपया का लाभ होता है, यानी कि 3 रुपये में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य हो गया कितना 3। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए और दोनों का लाभ का अंतर 100 रुपया दिया है, यहाँ विक्रय मूल्य 5 है, यहाँ विक्रय मूल्य 4 है, तो दोनों को समान करना है, इसमें कितना से गुणा करना होगा 4 से, और यहाँ 5 है तो दोनों में कितना से गुणा करेंगे 5 से। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4×16 और ये हो जाएगा 5×20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया समान हो गया, मतलब सेम हो गया, यही प्रश्न में बोल रहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान हमने कर दिया, समान नहीं था तो समान की, अगर समान रहता तो और ठीक रहता, लेकिन समान हमें करना पड़ा। प्रश्न में दिया है दोनों को लाभों का अंतर कितना है 100 रुपया, तो यहाँ 16 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना का है, यहाँ पर लाभ है 4 रुपया का लाभ है, और 20 रुपये में खरीद रहा, 15 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना का है, यहाँ पर तो लाभ हो गया कितना का 4 रुपया का, और यहाँ पर लाभ कितना का है, जो आप देखिए यहाँ पर लाभ कितना का है 5 रुपया का लाभ है, तो अब लाभों का अंतर कितना है, दोनों लाभ का अंतर कितना है 1 रुपया का अंतर है, लाभ का अंतर कितना है 1 रुपया का अंतर है लाभ में, तो प्रश्न में दिया है कि लाभ का अंतर 100 रुपया है, यानी कि 1:100 का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 100, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 × 100 का मतलब कितना हो गया 2000 रुपया, दोनों के लाभों का अंतर यहाँ 4 रुपया, यहाँ 5 रुपया, मतलब 1 रुपया लाभों का अंतर है, प्रश्न में दिया है 100 रुपया, यानी कि रेशियो में 1 रुपया, प्रश्न में 100 रुपया, तो 1:1 का वैल्यू 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य दोनों का समान है, यानी कि 20:1 का वैल्यू कितना होगा 20,000 रुपया, 2000 रुपया, तो यही आपसे पूछता, पहला का क्रय मूल्य तो 1600 रुपया हो जाता है, दूसरा का क्रय मूल्य पूछता तो 1500 रुपया हो जाता है, दोनों के लिए विक्रय मूल्य कितना है 2000 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ए 45 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से पटना के लिए प्रस्थान किया और बी एक निश्चित चाल से पटना से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद ए 4:48 बाद दिल्ली से पटना पहुंच गया, जबकि बी को पटना से दिल्ली पहुंचने में 3:20 का समय लगा, तो बी की चाल बताइए। ऐसे प्रश्न को आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है एक, मात्र इससे ही बनाना है आपको, V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा √T2/T1, मतलब पहला का चाल और दूसरा का चाल का अनुपात, मतलब बराबर होगा दूसरा का समय और पहला का समय का स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर वर्गमूल है T2/T1 का। तो पहला का चाल आपके प्रश्न में दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल पूछ रहा है, तो ये आपको निकालना है। T1 और T2 आपके प्रश्न में दिया है, ए 45 का स्पीड से जा रहा है और ए का चाल दिया है 4 घंटे, ए का समय दिया है 4:48, मतलब इस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं टाइम ऑफ ए कितना है, टाइम ऑफ ए मतलब यहाँ पर T1 T2 माने हैं, V1 V2, तो यहाँ पर भी इसे पहला को ए मान, या यहाँ पर हम भी ए और इसे भी मानते हैं, मतलब ए का चाल और बी का चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का समय और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का समय,
तो प्रश्न में ए का समय पहले कितना दिया गया है, टाइम ऑफ ए दिया गया है 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट दिया गया है। और दूसरा का समय कितना दिया गया है, टाइम ऑफ बी दिया गया है आपके प्रश्न में 3 घंटा 20 मिनट, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए, तो 4 घंटा 48 मिनट मतलब हम लिख सकते हैं 4 या 48 बटा कितना हो जाएगा 60, तो 12 चौक 48, 12 25 60, यानी कि 4 पूर्णांक 4/5 घंटा, तो 4 25 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/5 घंटा हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 पूर्णांक 20/60, मतलब 20 + 60 तो 3 + 9 = 10, 3 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं इसे, तो 10/3 घंटा, मतलब टाइम ऑफ बी पहले यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3, टाइम ऑफ यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए कितना है 24/5, इसका स्क्वायर इसे हल कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए 45/2 का 4 यहाँ पर वी टू की जगह पर क्या लिखेंगे बी, मतलब बी की 4। अब देखिए यहाँ पर इसे हल कर रहे हैं तो 10/3 इसे लिख देते हैं 5/24, अब इसे हल कीजिए, जैसे हल कर सकते हैं तो जो हल करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 5 × 5 = 10 और 12 × 24 इस प्रकार से कैंसिल कर दिए तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 12 + 36 = 6 हो जाएगा। अब देखिए पन्नामा 45 हो गया और ये से 9 × 6 और V/V = 1, तो मतलब B की चाल कितना हो जाएगी 9 × 6 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को बनाते, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, 18 नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है। ये बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 5 9 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 4 9, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 90,000, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है इजी क्वेश्चन ही है, आपको समझना होगा कि सम चतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना 116 मीटर। ये कोई क्या है सम चतुर्भुज है, रोम्बस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, रोम्बस है RHOMBUS, रोम्बस होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसे सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज वर्ग का ही बढ़ा हुआ रूप है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, लेकिन सम चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और समकोण त्रिभुज ये सम चतुर्भुज का भी विकर्ण एक दूसरे को इस प्रकार से 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री ही बनता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगी एक तरह से कर्म हो जाएगी, ये आपको प्रॉपर्टी होता है आना चाहिए। तो इसका परिमाप दिया है 116 मीटर, तो चारों भुजा का जो ए मानते हैं, चारों भुजा की लंबाई ए, तो परिमाप मतलब क्या होता है इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, तो प्रश्न में दिया है 116, तो 4 × भुजा = 116 यानी कि इसका प्रत्येक साइड कितना हो जाएगा 29, ये भी 29, ये भी 29, ये भी 29 और ये भी 29। तो एक डायगोनल दिया है, एक विकर्ण 42 मीटर है, मतलब आपके प्रश्न में डिवन कितना दिया है 42 मीटर, तो मान लीजिए कि ये 42 है तो ये 21, तो ये 21 होगा। अब आपको ये 21 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 29 हो गया, तो ये कितना होगा, ये निकालने के लिए ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, तो ये निकाल सकते हैं या ट्रिपलेट आद होगा कि 20 21 29 होता है, तो ये 21 है ये 29 है तो ये कितना होना चाहिए 20, ये 20 तो ये वाला भी 20 होगा, या आप इसे हम निकाल कर बता देते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि 29 का स्क्वायर में से आप 21 का स्क्वायर घटा देंगे तो यही आपका निकल कर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपको पता हो जाएगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 29 से 847 माइनस 20 21 से 447 तो 400 हो जाएगा, अब 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी कि ये 20 हो गया तो ये भी 20, अब पूरा डायगोनल कितना हो गया, मतलब D2 आपने निकाल लिया, D2 कितना हो गया 20 और 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 × D1 × D2, यही आपसे पूछ रहा है, तो 1/2 × पहला विकर्ण कितना है 42 दिया है, दूसरा विकर्ण आपने निकाला कितना हो गया 40, तो इसे हल कर देंगे तो 20 × 40 तो 42 × 84 मतलब 840 सेंटीमीटर² आपका समचतुर्भुज एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था क्या 19। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 51 वाला हमने और बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड पहले ही कर दिया है, 52 वाले भी शायद बंद हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता रहे हैं एक माध्यानुपाती का तो हमने करा दिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुपद का, ये लिखा है PXQ माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस टू एक्स है और क्या है प्लस क्यू है, इसका x प्लस वन और x माइनस वन से विभाज है तो p और q का मान बताइए। ये है जो x प्लस वन और x माइनस वन से विभाज है, तो x प्लस वन यानी कि x माइनस वन, x बराबर माइनस वन होगा यहाँ पर से, इतना बराबर जीरो रखेंगे तो, और इतना बराबर जीरो रखेंगे तो क्या होगा x बराबर वन, यानी कि इसे आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसे आपको क्या समझना है, पॉलीगन समझना है। तो पी एक्स बराबर मान लीजिए कि इतना दिया है, पी एक्स बराबर इतना दिया है तो एक्स के जगह पर माइनस वन रखिए, मतलब यहाँ पर जीरो करेंगे, यानी कि पी माइनस वन बराबर जीरो, पी माइनस वन बराबर जीरो यूज करेंगे तो जीरो बराबर इसे इतना में हल कीजिए, मतलब एक्स के जगह माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी इंटू माइनस वन का क्यू हो जाएगा माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, तो जीरो बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा माइनस वन का क्यू माइनस वन होता है तो माइनस वन गुना पी माइनस पी, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है तो वन माइनस वन हो जाएगा और माइनस टू और प्लस क्यू। यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए माइनस पी और प्लस क्यू माइनस वन माइनस टू तो माइनस थ्री इस तरफ आएगा तो प्लस थ्री, तो माइनस पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया थ्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से एक्स की जगह अभी रखना है वन, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं वन, तो p गुना वन का स्क्वायर यानी p हो गया माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक और प्लस टू गुना एक मतलब दो और प्लस q इतना बराबर जीरो, तो p प्लस क्यू प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि p प्लस क्यू बराबर कितना हो गया माइनस वन, ये इक्वेशन दो हो गया। दोनों को हम अगर के जोड़ देते हैं तो ये प्लस पी माइनस पी माइनस पी प्लस पी यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो दो क्यू बराबर कितना हो जाएगा दो, तो क्यू का मान हो गया एक, क्यू एक हो गया तो क्यू का मान हम एक अगर रख देते हैं यानी कि पी प्लस क्यू बराबर माइनस एक है तो क्यू का मान हम यहाँ पर एक रख रहे हैं तो पी कितना हो जाएगा माइनस एक और प्लस एक उस तरफ रहेगा तो पी का मान हो जाएगा माइनस दो, यानी कि पी माइनस दो और क्यू एक, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 20। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। और भी जो क्वेश्चन है हमने पहले करा दिया है शीट वन वाले में, तो क्वेश्चन ये है इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, ये तो 6/17 ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 20 + 60 और 70 + 51, ये भी कैंसिल होगा 6 + 18 और 70 + 51। अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ होगा, मतलब एचसीएफ किसका निकालेंगे 6, 20 और 6 का, एलसीएम किसका निकालेगा, एलसीएम निकालेगा नीचे वाला का मतलब 17, 17 और 17, नीचे तो 17 ही टोटल हो गया, तो ऊपर एचसीएफ पहले 6, 20 और 6 का एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया थे सबसे छोटी संख्या को लेना है तो 6, 20, 6 में सबसे छोटी संख्या 6 है और 6 का गुणनखंड मतलब 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, फिर 6 हुआ, तो 6 होगा एचसीएफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से 6 कटेगा लेकिन 6 से 20 नहीं कटेगा, 6 × 12 = 18, 6 × 24 हो जाता है तो 6 नहीं हुआ, 6 के बाद सबसे बड़ा कौन है 3 है तो 3 को टेस्ट कीजिए तो 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 7 = 21 हो जाता है तो 3 भी नहीं हुआ। अब 2 को टेस्ट करना है तो 2 × 2 = 6, 2 × 6 = 2 × 6 = 20, मतलब 2 आपका हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 17, 17, 17 का एलसीएम 17 ही होगा तो 2/17 ही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो होगा जो 28 जनवरी शिफ्ट 2 वाला होगा, शिफ्ट 1 वाला हमने कर दिया है। यह वीडियो अगर जो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, इससे कुछ ना कुछ आप जरूर नया सीखेंगे, कैलकुलेशन में सीखेंगे या कोई कंसेप्ट में आपको नया जरूर मिलेगा।